अब यहां पे चलेगा जापान एंड इंडिया का 2+2 समिट। 2+2 का मतलब होता है दो डेलीगेशन इंडिया के, दो उनके, मतलब चार लोग बैठ के खाना खाएंगे, बतियाएंगे और चले आएंगे। दैट इज द समिट। समिट इज नथिंग, जस्ट द टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड कमिंग बैक। समिट विल हेल्प व्हेन ओनली वन पर्सन विल गो, दैट इज नोन एज चाय वाला इंडिया, माननीय नरेंद्र मोदी। इफ ही गोज देन टॉकिंग डोंट हैपन, अदरवाइज ऑल गोज एंड टॉक एंड टॉक एंड कम बैक। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट 1-to-1 समिट और 2-on-2 समिट में देखिए दो लोग गए, कौन गए? यहां पर हमारे गए फॉरेन मिनिस्टर और कौन गए? डिफेंस मिनिस्टर। तो कुछ तो बड़ा करने गए हो। पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान इज बिकमिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, स्पेशली व्हेन इट्स कम इंश्योरिंग अ फ्री ओपन एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन। दिस वॉज क्लियरली सीन ड्यूरिंग द रिसेंट 2+2 डायलॉग व्हेन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर मेट विद देयर जापानीज काउंटरपार्ट। देयर मीटिंग टू प्लेस एट द टाइम व्हेन देयर वॉज राइजिंग टेंशन बिटवीन, है ना, रीजन ड्यू टू द चाइनीज ग्रोइंग मिलिट्री एक्टिविटीज। पार्टनरशिप में क्या हुआ, 10 साल में ये चल रहा है, ग्रेटली स्ट्रेंथन रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज का। सोशल स्ट्रेटजी ग्लोबल पार्टिसिपेशन में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। देखो ग्लोबल पार्टनरशिप में क्या होता है, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो इंडिया और जापान साथ में काम करती हैं, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, कहीं पर भी जाती है। तो श्रीलंका में भी इंडिया जब लेके गई थी एयरपोर्ट बनाने के लिए तो जापान के साथ पार्टनरशिप करके ले गई। ये किसी भी कंट्री में जाती है तो जापान को ले जाती है, क्योंकि जापान थोड़ा प्यारा देश है, वो पैसा सस्ते में हमें दे देता है। तो हमको तो पैसा चाहिए ना, काम तो हम खुद ही कर लेंगे। रीजनल सिक्योरिटी के लिए हमें जरूरी है कि जापान के साथ आप अपने अलाइज अच्छे रखें और जापान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। इन द टर्म ऑफ डिफेंस, इंडिया एंड जापान आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन द लाइन विद शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल रूल्स। कह रहे हैं हम दोनों बनाएंगे बट लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लाइटली, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फॉलो करते हुए। हम लोग कैसे बनाएंगे, इन सारे नियमों को फॉलो करते हुए इन सारे कामों को करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। दिस टाइप्स ऑफ डायलॉग्स जो है ये चलते रहते हैं, एनवायरमेंट के लिए भी हम लोग बात करते रहते हैं, चीजें भी हम लोग करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ दो कंट्रीज हैं जो मिलकर काम करती रहे। मजेदार बात बताऊं, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगा था आज से 10 साल पहले कि इंडिया को कैसे स्ट्रांग करें, तो इंडिया को स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफेंस को मेक इन इंडिया कर दिया। डिफेंस को मेक इन इंडिया करने के बाद उन्होंने कई सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज बना दी। आज पता है इंडिया से सबसे ज्यादा डिफेंस की सामग्री खरीदने वाला कंट्री कौन है? यूएसए। यूएसए हमसे छोटी पिस्टल्स के पार्ट्स, गोलियों के पार्ट्स, ये सब हमसे खरीदता है। हमने लोकल कंपनीज क्यों बनाई, ताकि हम इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड को खत्म कर पाए। तो कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेयर पड़ेगा डिफेंस के लिए, और डिफेंस के लिए अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो जापान के बिना नहीं बनोगे। आज भी याद रखना, जर्मन पिस्टल के बाद जापानीज पिस्टल आर मोर सुपीरियर देन इंडियन पिस्टल्स। अगर बंदूकों की बात करोगे तो जापान की बने जो वेपन्स हैं वो इंडिया से ज्यादा सुपीरियर है, और जापान से ज्यादा सुपीरियर जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी जापान दोनों एक साथ मित्र थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बोथ वर मेकिंग द क्वालिटी वेपन्स। इंडिया तीसरे नंबर पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं जापान के साथ अगर हम मिलेंगे तो हम अपने डिफेंस को और स्ट्रांग कर पाएंगे, और हमें कोशिश करनी है हम डिफेंस को स्ट्रांग कर पाए। किस लिए? इंटरनेशनल डिफेंस ट्रेड के लिए। अगर इंटरनेशनल डिफेंस ट्रेड हमने अच्छे कर दिए तो हमको ज्यादा फायदा मिलने की संभावना